गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति और आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल लेके आ गई, जो आप खुद से बना सकते हो। सेल्फ बन हेयर स्टाइल है और थोड़ा सा यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। मेरी हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को। हो सकता है कि आपको वो ईजी लगे, बट जो न्यू तरीके होते हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहती हूँ, ताकि आप लोग को हेयर स्टाइल बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल पे स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ लेके आते रहती हूँ, तो प्लीज़ गो टू माय सेकंड चैनल प्रीति तिवारी 2। चैनल का नेम है, वहाँ पे आपको स्किन से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ मिलेंगी, मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियो मिलेंगे, मेकअप में जो बारीकियाँ होती है वो बताते रहती हूँ। तो प्लीज़ जाके मेरे सेकंड चैनल को भी देख लीजिएगा। एंड इंस्टा आई डी प्रीति24 है, तो वहाँ पे आप लोग को मेरा रील्स वीडियो देखने को मिलेगा। तो मेरे बालों में थोड़ी थोड़ी ऑयलिंग है, बट मैं इसी हेयर के साथ बता देती हूँ। आपने अगर हेयर वॉश कर रखा है तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत प्यारा बनने वाला है गाइस। तो इस तरीके से मैंने सारे बालों को एक हाई पोनीटेल बना लेंगे। ओके, आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा गाइस। अच्छे से हाई पोनीटेल बनाना है, बिल्कुल भी लूज नहीं करना है, थोड़ा भी लो नहीं करना है। एकदम आपने आपका जो क्राउन एरिया होता है, जो आपका ईयर होता है, ईयर का जस्ट यहाँ पे आपको अपनी पोनी को बनाना है। तो मैंने अच्छे से अपने बालों को एकदम क्राउन एरिया पे ले आई हूँ एंड एक पोनी बना ले रही हूँ इस तरीके से। अभी क्या करना है, आपको लेना है एक यूनिट बन। अगर आपके बाल भी छोटे हैं तो मेरी तरह अगर छोटे हैं, आपको थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए बालों का, जो कि आपके फेस पे सूट करता हो, तो आप इस तरीके से एक डोनट बन ले लीजिए और इस तरीके से बालों को उसके ऊपर से फैलाना है। इस तरीके से बालों को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और अच्छे से डोनट बन के ऊपर फैला लीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एक रबर बैंड लगा देते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमारा जो डोनट बन है वो अच्छे से इस तरीके से कवर हो जाए। बट यहाँ पे ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लेना है अपने बालों का थोड़ा सा लेयर और इसको ट्विस्ट करना है और थोड़े थोड़े लेयर्स लेके इसमें साथ में मिक्स करते जाना है। ओके, चारों तरफ से बालों का लेयर थोड़ा सा ऐड करते जाना है और एक ट्विस्टिंग बनाती जानी है इसी तरीके से। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी हेयर स्टाइल बताती हूँ मैं, वो बहुत इजी होते हैं। मेरे चैनल पे जो भी हेयर स्टाइल आपको मिलेंगे, इजी के साथ साथ बहुत ही स्टाइलिश होते हैं, जो कि आप पार्टी में, वेडिंग में, हर जगह इसको ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से सारे हेयर को ट्विस्टिंग कर लेनी है, देन सिंपली डोनट बन के चारों तरफ लपेट देना है। और आप देख सकते हो एक बड़ा सा बन हमको यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा हेयर को बन के चारों तरफ लपेटना है, देन ये आपका बहुत हैवी सा लुक देगा आपके बालों को एंड लगेगा भी नहीं कि आपके बाल बहुत पतले हल्के हैं, छोटे हैं। पतले हल्के बालों में ये वाला बन जो है वो काफ़ी स्टाइलिश लगेगा। जिस भी गर्ल्स के पतले हल्के बाल हैं वो हाई बन बनाने से मतलब कतराती हैं, हाई बन बनाना उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनके बाल पतले हैं, जिसकी वजह से वो हाई बन बनाती होंगी तो बहुत अजीब दिखता होगा। तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो, ये डोनट बन की मदद से पतले हल्के बालों में इतना हैवी एंड खूबसूरत सा हाई बन बना के रेडी कर सकते हो और अपने बालों को अच्छा सा लुक दे सकते हो। ये वाला जो हेयर स्टाइल है ये आपका साड़ी के साथ, वेस्टर्न ड्रेस के साथ, ऑल ड्रेस के साथ जाएगा। और अच्छे से यूपिन्स लगा लीजिएगा, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो बाद में खुल ना जाए। तो आप देख सकते हो कितना ईजी तरीके से मैंने ये बन बना के क्रिएट कर लिया है और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। और बहुत जल्दी मैं अपने बालों में कलर करने वाली हूँ, जिसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। जो भी मैं खुद पे ट्राई करती हूँ वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो मैं जो मेरा सेकंड चैनल है जिस पर मैं स्किन से रिलेटेड और वीडियो बनाती हूँ, वो भी ऐसा कोई फेक नहीं है, मैं खुद पर ट्राई करती हूँ। जो चीज़ सूटेबल होती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मेरे बालों में ऑयल लगी हुई है, जिसकी वजह से मेरे हेयर जो है वो काफ़ी फ्लैट लुक दे रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा हेयर इस तरीके से पकड़ेंगे और खींच लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए बालों में और बहुत गंदा ना लगे, चिपका हुआ सा ना लगे हेयर। और आप इस तरीके से मार्केट वगैरह शॉपिंग करने जा सकते हो। और अगर आपको वेडिंग में ये बन बनाना है तो वेडिंग में भी बना सकते हो, बस बालों में लॉन्ग लेयर्स जरूर कट करवा के रखिएगा, जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखे और अच्छा लुक आए आपके बालों का। तो लेयर किस तरीके से रखना है वो अपने फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग देखिएगा, आप पे कैसा सूट करता है, साइड बैंग्स, लॉन्ग बैंग्स,
शॉर्ट बैंग्स, आपका फोरहेड कैसा है उसके अकॉर्डिंग। कल मैंने बताया था छोटे माथे वाली लड़कियों के लिए ब्राइडल बन हेयर स्टाइल, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी जल्दी जाइए और वो हेयर स्टाइल देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। छोटे जिसके भी जिसका भी फोरहेड शॉर्ट है और वो गर्ल्स ब्राइडल जैसे दुल्हन में रेडी होती हैं या फिर वेडिंग पार्टी वगैरह में रेडी होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसा हेयर स्टाइल किया जाए, तो आप वो हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो कल जो बताया था छोटे माथे के लिए ब्राइडल बन हेयर स्टाइल, तो जाके ट्राई कर लीजिएगा। पास से देख लीजिए इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है जो मेरा बन है, और अच्छे से हमारा डोनेट बन भी कवर हो चुका है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड मैं गई हुई थी बाहर, थोड़ा सा ट्रैवलिंग इधर ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से मेरे स्किन पे टैनिंग आ गई है, और टैनिंग को रिमूव कैसे करना है उसकी वीडियो बहुत जल्दी मैं अपने सेकंड चैनल पे लेकर आ रही हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, आप ऑफिस कॉलेज वगैरह जाती हैं धूप में जिसकी वजह से आपके स्किन पे टैनिंग आ जाता है, तो प्लीज़ गो टू माई सेकंड चैनल एंड वो वीडियो देख लीजिए। प्रॉपर तरीके से पूरा अच्छे से बताऊँगी क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए जिसकी वजह से आपके स्किन पे टैनिंग ना आए और आप अपना आराम से कहीं भी ट्रैवलिंग कर सके, स्कूल कॉलेज ऑफिस जाती हैं, तो आप लोग के लिए वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपका स्किन जो है वो ग्लोइंग निखरा हुआ रहेगा और टैनिंग से भी रिमूव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ये हेयर स्टाइल कैसा लगा जरूर बताइएगा। पतले हल्के बालों में हाई बन बनाने का बहुत ही ईजी तरीका और बहुत ही स्टाइलिश। बाय बाय।